हेलो एवरीवन, रितु इजी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाना बड़ा। साबूदाना बड़ा मैं थोड़ा स्पाइसी और तीखा बनाने वाली हूँ, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी साबूदाना लिया है। ग्राम में देखे तो ये 150 ग्राम के करीब है और इसे 3 से 4 बार अच्छे से धोएंगे, जिससे जो साबूदाने में व्हाइट पाउडर होता है वह निकल जाए। साबूदाने को मैंने 3 से 4 बार धो दिया है और इसमें मैंने बहुत थोड़ा पानी रखा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी साबूदाने में नहीं डालेंगे, नहीं तो यह चिपका चिपका हो जाएगा। अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। साबूदाना को भिगोए हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं, यह अच्छे से फूल गया है और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसके साबूदाना बड़े बनाएंगे। इसके लिए मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। मैं आलू को कद्दूकस करके डालूंगी, आप चाहें तो इन आलूओं को मैश करके भी डाल सकते हैं। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें मैं एक कटोरी पिसी हुई मूंगफली डालूंगी, इससे वड़ा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और क्रंच भी आता है। इसके बाद 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। इसके बाद हरा धनिया कटा हुआ डालूंगी। इसके बाद इसमें मैं 1 चम्मच मोटी पिसी हुई मिर्च डालूंगी, इससे वड़ा में टेस्ट अच्छा आता है। 1 चम्मच नमक डालूंगी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी क्योंकि हमने हरी मिर्च पहले ही डाली हुई है। और लास्ट में थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और इन सबको मिक्स करेंगे। साबूदाना बड़ा का मिक्सचर बनके तैयार है। अब हम इसके साबूदाना बड़ा बनाएंगे। साबूदाना वड़ा बनाने से पहले हम अपने हाथों पर ऑयल लगाएंगे, फिर थोड़ा वड़ा का मिक्सचर लेंगे, इसे गोल गोल करके टिक्की का शेप देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने यहाँ टिक्की की शेप दी है। साबूदाना बड़ा बनके तैयार है। आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग डीप फ्राई या सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने बड़े फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने गैस पर एक पैन रखा है, उसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को हम हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद गैस को मीडियम कर देंगे, जिससे हमारे बड़े अंदर तक पक जाएं और क्रिस्पी बनेंगे। अब हम बड़े को ऑयल में डालेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वड़ा साइड से ब्राउन हो गया है। अब हम इन्हें पलटेंगे। वड़ा को हम अलट पलट के ऐसे ही फ्राई करेंगे। साबूदाना बड़ा दोनों साइड से ब्राउन हो गए हैं और क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे। बचे हुए साबूदाना बड़ा को भी हम ऑयल में डालेंगे और इन्हें भी फ्राई करेंगे। दूसरे बैच के साबूदाना बड़ा भी बनके तैयार हैं, इन्हें निकालेंगे। साबूदाना बड़ा बनकर तैयार है, अब इन्हें सर्व करेंगे। तीखा स्पाइसी साबूदाना बड़ा बनके तैयार है। आप भी साबूदाना बड़ा बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका साबूदाना बड़ा कैसा बना है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।